नमस्कार दर्शक बंधु, मुँ गौरी शंकर स्वास्थ्य सर एक नूतन अध्याय आपको स्वागत करुच्छी। दर्शक बंधु, आज आम भेटा मानसिक रोग चिकित्सक डाक्टर सम्राट कर सर को। सर नमस्कार। नमस्कार। भल अच्छे सर? सर गोटे जो गोटे जड़े वयस्क स्त्री लोक बाहर बस पुओ बोधे नहीं आस कौन सर पुओ बोली जानते तो बो बोली कहूँ तक तो माँ पूरा छाने छाने देखा हो तो अरे सी लेडी भारी इंटेलिजेंट माँ रिटायर्ड जड़े लेक्चर अच्छा सी हाँ सी कौन हो रिटायर्ड कला से घर बस पुओ बाहर गला मैंने गोटे डर लगुच का कौन पुओ कौन गोटे होगा कौन गोटे असुविधा होगा खाली बारंबार फोन कर पुओ तार अफिस बस कौन कर सब खाली पुओ टेनसन तर आउ गोटे भी पुओ अच्छी से बाहर सी कहते ही फोन कर पचारे घर घर केत गलु घर केत फेरबू कौन रु मैं सब बड़े गोटे मुहटा गोटे छानिया छानिया भयातर भाव आसूसी आम आंजाइटी कहू आंजाइटी डिजर्डर गोटे लोक गोटे छानिया लगे गोटे पूरा एकदम छाती धरधट जीव छानिया लगे भय लगे मुँह एकदम नाली पड़ज देह हाथ झिमझिम हो थरी उठ मुंड से गोटे नेगेटिव चिंतार आउ गोटे नेगेटिव चिंता एमती पश जाए मन कर पुओटा फोन उठेलानी बोली से कहले मानते का इनसीडेन्स हाँ मुंडे पशिगला पुओ तो फोन उठेलानी तेल कौन हम फोन न उठे काले एक्सीडेंट होगा कि जदि एक्सीडेंट होता से बर्तमान घर को आसब घर को आसला मुझ कौन करी मो पाखे कहीं ना पुओ को नहीं कौन सब गोटे नेगेटिव आउ गए नेगेटिव मैंने छोटिया कथा मैंने ये पुओ फोन उठेनि आप मुंडे पशिगला घर एका अच्छी एक्सीडेंट हम मुझे हस्पिटाल नहीं जी मैंने गोटे पर गोटे भाभी सारी छानिया हम पश जाए बिना कारण छानिया हुए आंजाइटा आंजाइटी कहती अच्छा किंतु जदि जनकर जदि गोटे जेकोसी कार्य परिस्थिति गोटे स्थान ये जगह को जब भय लगे गोटे फोबिया कहते अच्छा आप देखिथे बहुत लोग एमती बस आम कथु आराम से कथा हो हटात गोटे कैमेरा पकईदे से सांगे डरीज स्टेज उपर गलु डायलग गोटे कहते स्टेज फोबिया कहती स्टेज फोबिया मोर बा गोटे सांग अच्छे से कौन कर गला बेलू को बाहर गला सब कौन कर आउ जन को लेकिन जीव कौ घर एका बाहर डर सी गोटे फोबिया हाँ कहती आगार भविया अच्छा मानते से घर बाहर को गला मैंने छानिया लगे व्यस्त लगे लगे मुझे मरीजी मत कई नहांती मुझे घर को फेरी पारि बोधे से जिते जीव सांगे गोटे क्या नहीं जीव मुझे कहली जान ला औषध खाइला धीरे धीरे ये सब जिन कमला कारण लोक जापार कई जन मैंने ये हटात पब्लिक टॉयलेट परिसरा भी करें साय ब्लाडर बोली कहती कई जन लिफ्ट जावाक डर लगे कई जन गोटे क्लोज स्पेस हटात रूम भितर रही एका मैंने से कबाट खोला थी जाए ठीक अच्छे कबाट बंद कला मैंने से बड़ा एकदम श्वासरुद्ध लाभ लगे अंधार को डरू थे हाँ अंधार को कई जन अच्छा अंधार को डरती कई जन हाइट को गले डरती बहुत हाइट को जदि गोटे मान जिते कहले कि ना जदि उपर जाए तल को अनदेले ढटा डर पड़ी कौन गोटे आक्रोफोबिया कहते आक्रोफोबिया कई जन साप को डरती आउ कई जन छुंची को डरती छुंची मैंने एड बड़ा इंजेक्शन टी ब्लड देखने भी आउ कई जन डरी जाती सब विभिन्न प्रकार फोबिया ये जो आंजाइटी और फोबिया आसंगे था कई जन हटात छाती धड़धड़ छानिया लगे लगे मरीजी मैंने ये मो जीवन चल जाव कहते पैनिक अटाक हटात गोटे पैनिक अटाक आस जाए का मरजी एट मोर किसी ना किसी कारण न था किसी कारण न था भी गोटे हटात आस जाए से लोक जापार गोटे रोग हो पाए बिना कारण डर लगुच आगर फ्लैट पूरा जाऊे एवं फ्लैट जावाक हटात डरुँच मन में गोटे एयरक्राफ्ट तो समस्त डर आप रास्त जाऊँ डर ये निश्वास ना हार्ट भी धड़धड़ होते हार्ट बंद हो डर कि फ्लैट जावाक डर कहीं लगुच तेरे ये सब गोटे मानसिक रोग आप ब्रेन र मध्यप्रदेश का लिम्बिक सिस्टम तार स्नायुदशार जब विशृंखला हुए सेरोटोनिन गाबा नॉरएड्रेनालिन नॉरएपिनेफ्रिन ये सब जब विशृंखला हुए ये आंजाइटी फोबिया पैनिक डिजर्डर यही प्रकार सब रोग होता है सर या चिकित्सा करके भल कर सर निश्चित भल हो पार प्रथम आम किसी औषध दे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मान जो छाती दर्द हो छानिया भय आग से सब जिन कम दरकार से औषध चिकित्सा दि जाए
ତାପରେ ଔଷଧ ଯଦି ରେଗୁଲାରଲି ଖାଇବ ଲୋକଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିବ ଯେ ମୋର ଏ ଗୋଟେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ରୋଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବା ଟେନସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ହେଉଛି, ସେ ଲୋକଟା ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କାଉନସିଲିଂ ଦେଉ, ବିହେଭିଅର ଥେରାପି ଦେଉ। ମନେକର ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ହାଇଟ୍କୁ ଗଲେ ଡର ଲାଗୁଛି, 20 ତାଲାକ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଇମାଜିନ୍ କର ଯେ 1 ତାଲାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ଧୀରେ 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 ଭାବିବ ମୁଁ 1 ତାଲାକୁ ଯାଉଛି, ଡର ଲାଗୁନି ତ। ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଏ ଯେ 4 ତାଲାକୁ ଯାଉଛୁ, ମନରେ ମନରେ ଭାବିବ, ଏମିତି ମନରେ ମନରେ ଭାବି 20 ତାଲାକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ନିଜେ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ଚଢ଼ିଲୁ, ଏମିତି ତାକୁ ବିହେଭିଅର ଥେରାପି କହନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଡରଟା ଛାଡ଼େ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଫୋବିଆ, ପରୀକ୍ଷା ଥିବୁ ମାନେ ହଠାତ୍ ଛାନି ହେଇଯିବେ, ରାତି ସାରା ପଢ଼ିବେ, ବହୁତ ଜଣ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ମାନେ ରାତି ସାରା ପଢ଼ି ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍। ପିଲାଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ଛାନିଆ ରହିବା ଉଚିତ ବି। ଜମା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଛାନିଆ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଜମା ପଢ଼ିବେନି, ଯାହାର ଜମା ଟିକେ ଛାନିଆଟା ରହିଲେ ଭଲ, ଯାହାର ଛାନିଆ ନ ରହିବ ସେ ବାଇକ୍ଟା ପୁରା 100 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲାଇବ। ତେଣୁ ଡରଟା କିଛି ରହିବା ଉଚିତ, ଅପ୍ଟିମମ୍ ଡର ଯାହା ରହିଲା ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କର୍ଭଟା ମନେକର ଯେତିକି ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଷ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଯିଏ କହିବ ଟୋଟାଲ ଛାନିଆ ହେବନି ସେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ଟିକେ ଛାନିଆ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଯେତିକି ଭଲ, ଅତ୍ୟଧିକ ଛାନିଆ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଖରାପ, ଜମା ଛାନିଆ ନହେଲେ ବି ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ, କାଉନସିଲିଂ ଦିଆଯାଏ, ରେଗୁଲାରଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବ, ତା ସହିତ ଯୋଗା, ମେଡ଼ିଟେସନ, ଏକ୍ସରସାଇଜ, ମାଇଲ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ହେଭି ଏକ୍ସରସାଇଜ ନୁହେଁ, ମାଇଲ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଏସବୁ ଯଦି ରିଲାକ୍ସେସନ କରିବ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଯାହା ହେଉ ସାର୍, ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।